ये वो वक्त था जब हम सब अपने घर में आराम से बैठे थे, मेरी अम्मी, मैं और मेरा भाई। पर अचानक से डोर बेल बजी। मेरी अम्मी ने कहा, आपने कहीं नहीं जाना, बल्कि आपका बड़ा भाई दरवाजा देखने के लिए जाएगा। पर मैंने एक ना सुनी और मैं भागता भागता गया और मैंने दरवाजा खोल दिया और आगे थे रॉबर्स यानी डाकू। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया, उन्होंने मेरे सर के ऊपर पिस्टल रखी और मुझे अंदर लेकर आ गए। सब अचानक से बैठे थे तो डाकुओं को देखते ही वो बहुत ही ज्यादा डर गए। उन्होंने कहा, सब कुछ दे दो वरना मैं मार डालूंगा इस बच्चे को। उन्होंने कहा, तुम हमें कुछ मत कहो, जो कुछ लेना है तुम ले लो। डाकुओं ने सब कुछ ले लिया और हम सब डर के मारे बैठे रहे। वो थोड़ी देर बाद एक और कमरे के अंदर गए जहाँ पर मेरी बहन सो रही थी। मेरी अम्मी ने कहा कि मेरी बेटी को कुछ मत कहना, उन्होंने सब कुछ चोरी किया और मेरी बहन को कुछ ना कहा। हैरानगी तो तब हो गई जब उन्होंने मेरी अम्मी को कहा कि आप परेशान मत होएं, हम सिर्फ उसी चोरी करके यहाँ से चले जाएंगे। पर उसी वक्त मेरे भाई ने उनके सामने कोई बदतमीजी करने लगा, पर उन्होंने काफी ज्यादा गुस्से से उसके सामने बात की तो मेरी अम्मी ने मेरे भाई को डांटा और आराम से बिठा दिया। थोड़ी देर बाद मुझे अचानक से चाबी चलने की और दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं भागता भागता गया, मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था। मैंने देखा तो मेरे बाबा आगे आए हुए थे। मैंने उन्हें कहा कि कुछ अंकल्स इस घर के अंदर आए हुए हैं, तो वो समझे ये चाचू या कोई मामू है मेरे, तो वो बआसानी अंदर आ गए। और आगे जब वो आए तो उन्होंने देखा कि आगे डाकू है, तो बहुत ही ज्यादा हैरान हुए और अपनी जिंदगी की वजह से बहुत ही ज्यादा डर में थे कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। हैरानगी तो तब हुई जब वो चले गए, पर कुछ अरसे बाद जब उन्होंने हमें बुलाया कि क्या यही हैं, और आगे से वही डाकू थे हमारे सामने। पर दोस्तों, 3 महीने तक हमारी नजर के सामने वो चीज ना हटी जो का था। उन डाकुओं को इतना खतरनाक तरीके से मारा गया था कि हम बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। ये थी मेरी कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। और ये झूठी कहानी नहीं बल्कि बिल्कुल सच्ची कहानी है जो कि मेरे साथ तकरीबन 6-7 साल की उम्र में गुजरी थी। अल्लाह हाफिज।